नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल। दोस्तों आज हमारे सारे स्टूडेंट हैं, होगा तो चलिए मिलते हैं इससे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार गौटिया है, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ छह दिन हुए हैं मेरे को यहाँ आए हुए, और मैं जितना पढ़ा वो आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए सुशील, बिल्कुल मेन टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो बैटरी हमने शुरू की थी, तो बैटरी कितने प्रकार की होती है? बैटरी दो प्रकार की होती है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। चलिए और दूसरी बात मैं बताऊँ, लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर में क्या अंतर बताया था मैंने आपको? लिथियम पॉलीमर में क्या होते हैं? जेल होते हैं, और लिथियम पॉलीमर में सेल होते हैं। जेल होते हैं, और लिथियम आयन में जेल नहीं होते, सीटें होती हैं, उसमें कैथोड और एनोड की परतें होती हैं उसमें, और उसके अंदर केमिकल भरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बताइए कि बैटरी को चेक कैसे किया जाता है? बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करते हैं, 20 वोल्ट में मल्टीमीटर को सेट करके प्लस माइनस लगाते हैं। कितना वोल्ट आना चाहिए मिनिमम से मैक्सिमम? मिनिमम वोल्टेज आना चाहिए 3.7 और मैक्सिमम? मैक्सिमम वोल्टेज आना चाहिए 4.2। 4.2 वोल्टेज आना चाहिए, मिनिमम 3.7, मैक्सिमम 4.2। मान लीजिए बैटरी चेक कर रहे हो, मिनिमम आपको आया है 3.4 या 3 या 2 के नीचे, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले बैटरी को बूस्ट करेंगे। बूस्ट किससे करोगे? बूस्ट मल्टी बूस्टर से कितने वोल्ट पे करोगे इसको? 12 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? 12 वोल्ट पे उसको बूस्ट करेंगे, और उसको बूस्ट करने के बाद में उसको बैटरी को, अच्छा ये बताइए सुशील, मान लो आपने मल्टीमीटर से उसको बूस्ट कर लिया, उसके बाद भी बैटरी उतर रही है, तो इसका क्या कारण है? क्या बैटरी खराब है या मोबाइल में कहीं शॉर्टिंग है? तो कैसे चेक करोगे? मोबाइल भी आप शॉर्टिंग हो सकता है। वेरी गुड। और बैटरी अगर खराब, बैटरी भी खराब हो सकती है। बैटरी को चेक करने के लिए उसको मतलब चार्ज करके 1 या 2 घंटा वन रखता है, और फिर बाद में चेक करने के बाद देखता है कि यार वोल्टेज फिर भी कम आ रहा, तो इसमें फिर बैटरी का फॉल्ट होगा, बैटरी खराब हो सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि बैटरी को हमने एक निश्चित वोल्ट पे चार्ज करने के बाद में, जैसे 3.7 हमने चार्ज कर दिया, और उसके बाद रखने के बाद आप फिर से 2 घंटे के बाद अगर वो चेक करते हैं, तो वो वोल्टेज उतना ही होना चाहिए, 0.01 भी अगर कम हुआ तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब उसमें बैटरी खराब है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, उसके बाद में हमने बैटरी कनेक्टर चेक किया था, उसके बाद में बैटरी कनेक्टर की सप्लाइयां बताई थी, तो 3 कौन सी सप्लाइयां होती है बैटरी कनेक्टर में? और BSI और ग्राउंड। और BSI का फुल फॉर्म क्या है? बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो BSI के साथ में एक और होता है जो हिडन होता है, वो कौन सा होता है? बी टेम मतलब बैटरी को जो टेम्परेचर को जो बताता है, मेजर करता है, और बैटरी BSI क्या करता है? वो स्टेटस बताता है, प्लस कंट्रोलिंग भी करता है, ठीक है ना? तो ये शॉर्टिंग से बचाता है, कंट्रोलिंग भी करता है। चलिए ठीक है। तो कैसे पता करोगे? हमने उसके बाद में बताया था कि जो BVAT, BSI और ग्राउंड की सप्लाई, उसमें जो कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें कितनी कितनी रीडिंग आनी चाहिए? तो सुशील बताइए, तीनों में क्या रीडिंग आती है? BVAT में 600 से नीचे आती है तो वो BVAT कहलाता है, 250 से 600 के में आती है तो वो BVAT कहलाता है, पर अगर प्रैक्टिकल वे में देखते 350 आती है। उसको सर्च करोगे जिससे तुम्हें BVAT की रीडिंग मिल जाएगी, और वहां से तुम जम्पर मार सकते हो। कैपेसिटर और डायोड लगे होते हैं, तो मतलब आपको पूरे मोबाइल में कैपेसिटर डायोड ढूंढना है, या फिर कनेक्टर के पास क्या करना है? कनेक्टर के पास जो BVAT की लाइन के होते हैं, तो आप वहां से भी रीडिंग चेक करके 350-450 वहां से आप जम्पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइए, BSI का अगर लाइन में मान लीजिए ओपन हो गया, तो क्या करेंगे आप? कौन सा कंपोनेंट ढूंढेंगे आप? रजिस्टर ढूंढेंगे। कौन सा वे में? सीरीज वे में कि पैरेलल वे में? सीरीज वे में ढूंढेंगे, क्योंकि पैरेलल वे में अगर वो शॉर्ट होता है तो आप ढूंढेंगे। मान लो अगर BSI पे बीप आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई कंपोनेंट जो सप्लाई लाइन में लगा हुआ है वो शॉर्ट हो गया है, तो मतलब हमें पैरेलल और सीरीज दोनों चेक करने हैं, बराबर।
तो सुशील उसके बाद आपने कंपोनेंट चालू किए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं? कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक नॉर्मल और एक नॉर्मल होता है और एक एसएमडी कंपोनेंट होता है, बराबर? नॉर्मल और एसएमडी मतलब दो प्रकार के होते हैं जो हमारे मोबाइल में कौन से लगे होते हैं? एसएमडी कंपोनेंट। एसएमडी कंपोनेंट लगे होते हैं। अच्छा, एसएमडी कंपोनेंट का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस, इसका मतलब क्या है? जो कंपोनेंट सरफेस में लगे रहते हैं लेकिन उसके जो पिन रहते हैं वो नीचे नहीं पहुंच सकते, पूरा सरफेस के ऊपर ही। मतलब जो सरफेस के ऊपर माउंट होते हैं वो सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं, और नॉर्मल में जो सरफेस पर लगे होते हैं पर माउंट नीचे होते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद हमने कंपोनेंट में क्या कौन कौन से कंपोनेंट बताया? जैसे हमने बताया रजिस्टर, तो इसका क्या रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर एक शब्द में बताइए, अवरोधक। चलो एक शब्द में, कैपेसिटर, फिल्टर होता है, डायोड एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। चलिए कॉइल, बैलेंस करती प्लस डीसी सप्लाई, ठीक है। आईसी सबसे मेन, आईसी क्या काम करती है? तो उसके बाद फिर आईसी एक कंट्रोलर होता है जो हर सेक्शन के अलग अलग होती है, और सबसे मेन जो होता है कंट्रोलर उसको कौन सा कंट्रोलर होता है? सीपीयू, सीपीयू कंट्रोलर होता है, ठीक है ना। आईसी किसे कहते हैं बता पाओगे? चलो बताओ सुशील, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिकेटर सर्किट। इंडिकेटर सर्किट किसे कहते हैं, क्या होती है? ये सेमीकंडक्टर की एक चिप होती है जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं विशेष विधि के द्वारा, उसके फिर ऊपर एक प्लास्टिक नुमा आवरण लगा दिया जाता है, हीट नुमा जो हीट रेजिस्टेंस होता है वो ब्लैक कलर का, और उसके अवस्था अनुसार क्या निकाल दी जाती है? पिन है। इस प्रकार की कंप्लीट बनी युक्ति या पैकेज क्या कहलाती है? आईसी कहलाती है। हमारे मोबाइल में दो तरह की आईसी वैसे ज्यादातर यूज होती है, कौन कौन सी होती है? लीनियर और एक डिजिटल। डिजिटल और लीनियर, तो ये दो भाग होते हैं हमारे मोबाइल में जो यूज होती है, वो होती है लैग और बॉल आईसी, है ना। उसके बाद हमने देखा कि कंपोनेंट की जांच, उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट कैसे निकालते लगाते हैं एसएमडी में। तो हम कौन सी मशीन से निकालते लगाते हैं? एसएमडी मशीन से निकालते हैं। ये एसएमडी मशीन से कंपोनेंट निकालना लगाना हमने सीखा। फिर हमने आईसी निकालना लगाना सीखा। आईसी हमने ये सीखा कि किसी भी मोबाइल में कौन सी आईसी लगी होती है, जैसे पावर आईसी लगी होती है, पहचान लोगे? ठीक है ना, पावर आईसी, सीपीयू लगा होता है वो पहचान लोगे? सीपीयू की जो चार टेक्नोलॉजी होती है वो पहचान को पता है? तो ये सारी चीजें आपको चलिए पता है। उसके बाद हमने आईसी निकालना लगाना सीखा, है ना। आईसी जो निकालने लगाने के जो नीचे पॉइंट होते हैं, एरो होते हैं, वो सारी चीज हमने देखी कि कैसे करना है। और उसके बाद फिर हमने रिबॉलिंग भी हमने की, और रिबॉलिंग करना हमने सीखा, ठीक है ना। आप सुशील अब हम ट्रेसिंग करना सीखेंगे, ट्रेसिंग कैसे करते हैं, समझ में आया? तो चलिए ठीक है, थैंक यू आपका आने का, और सब्सक्राइबर को आपको थोड़ा बहुत समझाने का कि आपने कितना क्या किया। इससे आशा करता हूँ कि आपका भी रिविजन हुआ होगा, और इससे जो भी सब्सक्राइबर है उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। देखा दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट से आपको मिलवाया सुशील, और उन्होंने सारी चीजें बाकायदा अच्छे से बताई हैं, और ये आशा करता हूँ कि ये आपको भी आएगी। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है हमारी, और अगर आपको आना है यहाँ पर, तो आपको जबलपुर में आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जो एमपी में है दोस्तों, और हमारे यहाँ के आपको कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको कॉल पर बताई जाएगी, सारी डिटेल आपको कॉल पर बता दी जाएगी। और दोस्तों, इस विषय के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में जो भी आज हमने इस वीडियो में बताया, उसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कॉल करके नहीं। और अगर आपने हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहे चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.
Yeah.